पेड़ वेड़ भी लग रहे हैं वहां पर। बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है आपकी, सब सारा श्रेय आपको जाता है? नहीं, श्रेय सरकार को जाता है, सरकार का कोऑपरेशन है। अब वो दीगर बात है, कभी कभी थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है कि भाई ठीक करो, बहुत जरूरी है सब, लेकिन काम अच्छा हो गया है ऐसा लग रहा है। अब वो एक बिल्डिंग जो मुझे लग रही है, अगर प्रॉपरली मेंटेन रही सर, दैट वुड बी वन ऑफ द प्लेसेस टू विजिट इन ग्वालियर। सब आपकी ध्वजा तले सब बढ़िया काम हो गया है। वो हैव यू सीन इट इन मिस्टर चीफ इंजीनियर, आप उसको रात में लाइट जलाते हो वहाँ पे? नहीं जला, दो दिन जलाते हो? दो दिन पहले जल्दी जाएगी। हाँ, उसके डोम्स भी देखा आपने? दे आर वेल एल्यूमिनेटेड। बस 13 साल लगे साहब इस काम के लिए, ज़्यादा हो गए लेकिन हो गया। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट, दिस इज द फर्स्ट कोर्ट बिल्डिंग इन मध्य प्रदेश वेयर एवरी कोर्ट रूम राइट फ्रॉम सिविल जज क्लास टू टू डिस्ट्रिक्ट टू प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इज एयर कंडीशन। देयर चैम्बर्स आर ऑल्सो एयर कंडीशन एंड द स्टेनोग्राफर्स चैम्बर्स आर ऑल्सो एयर कंडीशन। ऐसी बिल्डिंग, और ये 150 कोर्ट रूम की बिल्डिंग है साहब। मैं 200 है एक्चुअली, क्या है साहब? 83 85 83 कोर्ट रूम की बिल्डिंग है। 83 सर, एक्चुअली क्या था, मैं BCI के काम से घूमता रहता था इंडिया में, तो यहाँ की हर जगह की बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग से बहुत अच्छी होती थी। अब आपकी बिल्डिंग हर बिल्डिंग से अच्छी हो गई, तभी तो कह रहा हूँ आपकी ध्वजा तले बहुत अच्छा काम हो गया। और वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक मंदिर पहले पुराने हनुमान जी का था, उसका भी जीर्णोद्धार हो गया ऑन सेम लाइंस जैसे अपने अपने हाईकोर्ट में हुआ है, उसी पैटर्न पे वो लगवा रहे हैं ना आप, जो हमने कहा उसको। और वहाँ पे एक स्पॉट ऐसा बना है जहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफी हो सकती है स्टेप्स पर, उसका इल्यूमिनेशन भी रात में देखेगा आपको। और पूरे कॉरिडोर उन्होंने फैंस के लिए बोल दिया है। और हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स वो हर कोर्ट रूम में उन सब दरवाजों में लगेंगे जहां पब्लिक एक्सेस नहीं है। भाई जहां से लिटिगेंट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, वो तो अपने आप खुला होगा, जो भी हो वैसे भी होगा, वैसे उसमें भी लगवा दो। उसका रीजन है क्योंकि एयर कंडीशन कोर्ट रूम्स है ना, उसमें लगवाने का फायदा ये होगा कि कोर्ट रूम की जो वो है, जो टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी वो भी करवा दीजिए आप। मैं नहीं, कर्टन से काम ही बनता है, कर्टन डाल लेते, कर्टन से क्या होगा, चिक लगा दो उसमें फिर तो। अरे एसी क्या है कैमरा नहीं, वो कितना डालेगा, प्लास्टिक के होता है, क्या डालेंगे, खराब तो नहीं। उसको दरवाजे में आप डोर क्लोजर लगाइए, लेकिन ऐसा लगाइए जो हाइड्रोलिक वाला होता है, जो कि बंद हो खुल जाए, वो आवाज ना आवे जिसमें, उसको हर जगह लगा दो, थोड़ा सा होगा होगा कि बजे कौन जी क्या कहते हैं, यहाँ भी है हाँ, बिकॉज एसी हो गया है ना आप सब, वो जरूरी है सब। क्या दरवाजा एक बटन क्या करें, एडिशनल बाकी का एडिशनल वर्क कहलाएगा डोर क्लोजर का? हाँ, जो एडिशनल वर्क जो 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 कॉन्क्रीट का है, सीमेंट वर्क है, वो आप जोड़ दीजिए, ये सब तो इस पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, डोर क्लोजर वगैरह तो। हाँ, रैक बनाया वो जोड़ दीजिए आप, वो जितने भी एडिशनल वर्क होंगे करिए, लेकिन ये डोर क्लोजर वगैरह नहीं, एडिशनल काम में आएगा। हाँ, लगाओ उसको से। अच्छा, इसका वो कहाँ है वो सर, जितना फर्नीचर कोर्ट रूम का कब तक आ जाएगा? तो अब कब तक चाबी मिलने वाली है? अभी आप 25 जून बोल रहे थे। हाँ,
विजय रघुवंश जी, व्हाट डू यू से? अब तो रेट ही बढ़ेगी, और जहां पे एडिशनल वर्क होना है उसको सब ठीक ठाक करके रख दीजिए अभी तो फिलहाल। अभी कितनी पार्किंग है लॉयर्स के लिए? नहीं, स्टाफ के लिए है। कितना स्टाफ के लिए पार्किंग है? 720। अच्छा ठीक, तो इसमें जो स्टाफ, कितने लोग का स्टाफ है अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? 500 से कम नहीं होगा? नहीं, ये जो हमने प्रपोज पार्किंग अभी बनानी है आपको, वो कितने टीयर की बना रहे हो? ग्राउंड के नीचे दो बेसमेंट बना रहे हो ना? हाँ, जो उसमें कितने बेसमेंट्स हैं? दो बेसमेंट प्लस ऊपर। मतलब दो बेसमेंट प्लस एक फ्लोर, तो प्रोविजन डाल रहे हैं उसमें। अच्छा, इसमें हम लोगों ने, आप लोगों ने वो नहीं बनाया ना इसमें कोई कॉन्फ्रेंस का रूम? नहीं, वो कॉन्फ्रेंस रूम तो हुआ जो कि जजेस लोग बैठ के बात करेंगे या कभी हाईकोर्ट से जुड़ जाएंगे तब। व्हाट अबाउट फंक्शंस? जो फंक्शंस होंगे सपोज होता है, उसका कोई प्रोविजन डाला है क्या? उसमें काम करो आप, ये जो आप मल्टी लेवल पार्किंग बना रहे हो, अब उसमें जगह है जो हम ऊपर एक करीब 2000 आदमी के लिए एक हॉल बनवा दें? हैं, नहीं, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या रहेगी? उसको हम क्या अपनी बिल्डिंग से ब्रिज जोड़ सकते हैं क्या? है, उसको ऐसा बनाओ। मैं ये सोच रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए जहाँ कम से कम 2000 आदमी बैठ जाए। हाँ, हो तो सुप्रीम कोर्ट लगा, इसको बनाओ। हाँ, उसमें दो बनाओ, एक 2000 आदमियों के लिए और एक 500 आदमी। कितने मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? 6000 करीब। वो तो कॉमन होंगे यहाँ के भी, सब मिला के यहाँ तो 250-300 आते हैं। यहाँ तो 2500-3000 है, इतने तो आप 3000 डेली बोल रहे हो? है सर, 3000 एडवोकेट रोज आते हैं दोनों जगह मिला। हाईकोर्ट में कितना फुटफॉल होगा एडवोकेट्स का? 400-500 के आसपास जाएंगे डेली। कितनी जगह है अपने पास वहां पे? क्यों मतलब साहब, सपोज मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन होता है। हाँ सर, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए सर? कम सोच के बताना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल जाओ। कम से कम 1000 तो चाहिए सर। कम से कम, हम तो 2000 की सोच रहे हैं। 2000 मतलब कम से कम, कहा ज्यादा तो 2000 नहीं। भाई आगे की भी तो सोचो, क्योंकि आगे भी देखना पड़ेगा ना, बढ़ ही जाएगा। हाँ, एक 2000 आदमियों के लिए बनाओ, अच्छा बड़ा बनाओ, और एक बनाओ 500 लोग के लिए। वो ऐसा बनाओ जो उसमें 250 लोग भी हो तो वो भी, वो छोटा कर दिया बड़ा कर दिया ऐसा कुछ जो करते हैं। डाइस भी उसमें बन जाए। नहीं, वो पूरा ऑडिटोरियम बना रहे हैं। ऑडिटोरियम बन जाए पूरा, इट शुड नॉट बी हॉल, ऑडिटोरियम हो जाए।
जैसे पिक्चर हॉल होता है ना स्टेप्स पे, सामने स्टेज भी रहेगा, इकोसिस्टम भी रहेगा। आप कभी देख के आना जो एडीआर बिल्डिंग बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो भी देखना, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटोरियम है जो प्रगति मैदान वाली लैंड में बना है, तो एक चक्कर लगा क्या ना वहाँ का, जस्ट टू हैव एन आइडिया। अरे यहाँ भी देख लो अपना ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जीवाजी का, नहीं जीवाजी का तो हॉल है वो जो है ट्रिपल आईटीएम है ना आपका, उसी को बड़ा कर दो। एक बार बन जाएगा और ज्यादा परमानेंट हो जाता है इन ऑल इन टाइम्स टू कम। एटलीस्ट एक होना चाहिए। हम लोग यहाँ भी प्लान कर रहे हैं अपने जो पीछे है अपने इधर है। और उसमें एक हॉल दे देंगे बाहर को, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट मैटर को थिएटर तो हॉल्स और उसको अपने सेकेंड फ्लोर से लेंगे कुछ बन जाएगा, तो जजेस जो डिग्निटरीज सीधे वहाँ से पढ़ेंगे वो प्लानिंग है। हाँ सर, क्या नहीं पार्किंग का अभी देखो भद्रदास जी, एक बात रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मैं रघुवंशी जी आपसे भी, आप सभी लोग सीनियर लोग, और जो सीनियर शर्मा साहब, वी डी शर्मा जी बैठे हैं, राकेश शर्मा भी हैं,